ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। गुरु हर गोबिंद साहब जी यहीं आके रहे थे, वहां बैठ के गुरु जी संगत को दर्शन दिया करते थे। क्या इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो, सुनाओ यहाँ लोगों को सुनाओ। ये इसको बहुत अच्छी बात पता है जो हमें बताना नहीं चाहता, बताओ। चलो तुमने नहीं बताना, इधर इधर आओ, तुम बताओ। दो गुरु साहिब सातवें और आठवें गुरु हर राय जी और गुरु हर कृष्ण जी, उन दोनों का प्रकाश यहाँ पे हुआ था। इस गुरुद्वारा साहिब को शीश महल कहते हैं। शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई जब ते दर्शन पाया था। बाबा गुरदित्ता जी गुरु हर गोबिंद साहिब जी के बहुत आज्ञाकारी बेटे थे। आज्ञाकारी समझते हैं क्या होता है? आज्ञाकारी बात मानने वाला। आपको पता चल जाएगा कितनी आज्ञा मानी थी उन्होंने। गुरु हर गोबिंद साहब जी भी यहीं कीरतपुर में हैं। ये बेटा उनका शिकार खेलने गया हुआ है उधर, वो आनंदपुर साहब से थोड़ी दूर। बाबा गुरदित्ता जी कहते हम इस गाय को ही जिंदा कर देते हैं। बाबा गुरदित्ता जी वापस घर आते हैं। गुरु हर गोबिंद साहब जी को पता चलता है कि बाबा गुरदित्ता जी ने ऐसा किया है। गुरु हर गोबिंद साहब जी पूछते हैं बेटा तुमने ऐसा किया, कहते किया है। गुरु साहब जी कहते ऐसा नहीं करना था, अभी दो रास्ते हैं, जहाँ तो तुम इस दुनिया से चले जाओ, नहीं तो हम जाएंगे। तो वो वहाँ से आए थे, जहाँ आप अंदर जाएंगे ना, जब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को माथा टेकेंगे, उसके पीछे एक पेड़ है छोटा सा, उसी पेड़ के नीचे आके उनको वहीं लेट गए और वहीं अपना प्राण त्याग दिए। वो देखो एक सफेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वहां एक गुरुद्वारा है तीर साहिब। गुरु हर गोबिंद साहब जी का जिस दिन ज्योति जोत समाने का दिन था, उन्होंने यहीं खड़े होके एक तीर चलाया था और सिखों को बोल दिया यहाँ जे तीर जाके गिरेगा ना, वहीं आपने हमारा संस्कार करना है।
का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दुख नाथ सुख सहज समाए, दुख नाथ सुख सहज समाए। पांच आपको बताया था सुबह किले थे जो आनंदपुर साहिब की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। जो सबसे बड़ा किला था आनंदगढ़ साहिब जिसको बोलते हैं आनंदपुर साहिब में था। एक किला ये है, ये थोड़ा आनंदपुर साहिब से दूर है, इधर पीछे पहाड़ी है। जो आनंदपुर साहिब से ज़्यादा हमले होते थे ना वो पहाड़ी राजे करते थे, इसी तरफ से वो हमले होने का चांस होता था। इसलिए जे ऊंची पहाड़ी पर एक किला बनाया था। भाई कन्हैया जी का नाम किसने सुना है? 200 में से 4-5 लोग, 2%। भाई कन्हैया जी वो थे, जब जंग होती थी ना, जब जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही होती थी, उसमें कुछ सिख घायल हो जाते थे, कुछ शहीद हो जाते थे। भाई कन्हैया जी क्या करते थे, उनके पास एक मस्क थी, वो एक चमड़े का बना हुआ थैला होता है जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है, वो जख्मी को पानी पिलाते थे। वो सिख को भी पानी पिला रहा है और वो मुगल को भी पानी पिला रहा है। सो गुरु साहिब जी के पास जाके शिकायत की गई कि भाई कन्हैया जी सिखों को भी पानी पिलाते हैं, दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। गुरु जी ने भाई कन्हैया को बुलाया, पूछा क्यों पिलाते हो? वो कहता, गुरु जी मुझे तो सिख और मुगल का पता ही नहीं चलता, मुझे तो सभी में आप ही दिखाई देते हो। तब गुरु जी ने कहा, अकेला पानी नहीं पिलाना, अपनी तरफ से मलम पट्टी दी। गुरबानी की एक पंक्ति है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, बुरे लोगों का भी भला करना है। आज तो किला नहीं है, आज तो गुरुद्वारा साहिब बन गया है, क्योंकि मुगलों ने किले डेरी कर दिए थे, कुछ 300 साल में खुद खत्म हो गए, कुछ सिखों ने खत्म खुद ही कर दिए। आनंद गुण काया ठाकुर तुम शरणाइया, तुम शरणाइया ठाकुर तुम शरणाइया। Bye.